अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. सो एज़ यू ऑल नो वी आर इन बहरीन फॉर मीटअप विद अवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सो आज हमारा बहरीन का मीटअप में काफ़ी सारे लोग मिलने हैं. तो हमारी एक स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट वीक अपने एग्जाम्स क्लियर किए, इनफैक्ट विद इन अ स्पैन ऑफ वन मंथ इन्होंने दो एग्जाम्स क्लियर किए, MA1 एंड MA2 विद 80% एंड 90%, उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है. स्टूडेंट है हमारी सैयदा समन्ना रज़ा, और वन मंथ में MA2 और MA1 80-90% के साथ क्लियर करना एक अचीवमेंट है. काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं हमसे कराची में भी और अक्रॉस द वर्ल्ड भी कि भाई अच्छे मार्क्स की क्या स्ट्रेटजी और कैसे मतलब स्टूडेंट्स इतने अच्छे स्कोर्स लाते हैं. हमने कहा स्टूडेंट्स की ज़बानी आप 1-2 मिनट्स में सुन लें कि कैसे वो ये स्कोर लाते हैं और क्या उनको चीज़ें ऐसी हैं जिनसे दूर रहना चाहिए ताकि उनका फोकस आउट ना हो. सो समन्ना, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच. और कंग्रेचुलेशन आपके इतना अच्छा स्कोर आया. तो आप जरा स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करें 80-90% कैसे लाएं. यस, व्हाई नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बात ये होती है कि हमें जो लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं बाय द MHA टीम वो क्वालिटी के होते हैं, बट बात पता है क्या होती है, तैयारी के लिए सिर्फ लेक्चर्स देखना इट्स नॉट सफिशियंट, राइट. अब होता क्या है कि हम लोग जिस तरह लेक्चर्स देते हैं ना, हम कहते हैं सबसे पहले लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिस. लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि मैं कहती हूँ गलत है. अगर आपने 80 और 90 में स्कोर करना है तो जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं टॉपिक वाइज, आपने उसकी प्रैक्टिस भी उसी दिन करनी है जिस दिन आप वो टॉपिक स्टार्ट करते हो. सो माई स्ट्रैटेजी इज़ बेसिकली बहुत सिंपल सी है कि जो टॉपिक मैं जिस दिन स्टार्ट करती हूँ उसी दिन मैं उससे रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल मैं कर पाती हूँ मैं वो करती हूँ, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट. नेक्स्ट डे मैं कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं करती, लेकिन मैं रिविजन से स्टार्ट करती हूँ ऑफ द प्रीवियस लेक्चर दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द LMS. सो बेसिकली LMS का जो पर्पज़ है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. आगे यू हैव टू फोकस मोर ऑन दैट कि आप किस तरह प्रैक्टिस करते हैं. बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो मैनेजमेंट को लेके इतना डर जाते हैं कि सिलेबस चेंजेस हैं, नए कॉन्सेप्ट्स हैं, हमसे तो नहीं होगा. और ये एक चीज़ है जो मैं कहूँगी कि जिनसे नहीं होगा वो ये क्यों नहीं जानते कि बाकियों ने भी तो किया ही है, एंड एट द एंड उन्होंने भी यही करना है. सो अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय आई सजेस्ट यू कि आप एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान को फॉलो अप करें. सर अहमद शफ़ी आपके पास गाइड करने के लिए हैं, आप इनसे गाइडेंस लें. ही इज़ द बेस्ट वन ऑफ ऑल. आप अपना बेस्ट दें, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें, लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस कि आपने पेपर से पहले पैनिक करना. पेपर से पहले पैनिक वही करता है जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती. इफ़ यू विल वर्क ऑन दैट तो आई एम श्योर कि कोई ऐसा मसला नहीं होगा प्रोफेसर. बिल्कुल, डेफिनेटली. सो इसमें हम तीन समरीज आपके पॉइंट से निकालते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है कि मैं बस लेक्चर्स कंप्लीट कर लूँ और जाके एग्जाम दूँ, दैट इज़ अ रॉन्ग स्ट्रेटजी. आप लेक्चर्स लें, एक टॉपिक ख़त्म करें, उसके बाद उसकी रिविजन किट्स, उसकी स्टडी टेक्स्ट सब रीड करें. नंबर टू, पैनिक ना हो पेपर से पहले. जस्ट बिलीव द फैक्ट दैट इफ़ एवरीवन एल्स हैज़ डन इट और दे आर डूइंग इट, सो व्हाई नॉट यू. एंड थर्डली, ये सारे पैनिक से दूर रहें कि भाई सिलेबस चेंजेस हैं क्या हैं, क्योंकि लोग आपको ये तो बोल देते हैं सिलेबस चेंजेस हैं, लेकिन ये नहीं बताते सिलेबस चेंजेस में ये टॉपिक हटा है सिर्फ और कुछ ऐड नहीं हुआ. तो खामखाई में फालतू के पैनिक अटैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको देते रहेंगे. थैंक यू.